खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इस पर नजर बनाए हुए हमारे दो संवाददाता विकास भदौरिया पीएम निवास से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नीरज पांडे अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, उन दोनों से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विकास, तकरीबन डेढ़ घंटे बाद प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या हलचल फिलहाल आप देख पा रहे हैं और क्या वाकई एक बड़े खबर देश के लिए आज यहां से निकलने जा रही है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल बड़ी खबर यहाँ से निकलने जा रही है। पीएम आवास पर अभी कोई हलचल नहीं है क्योंकि तकरीबन जब 9:30 बजे बैठक शुरू होनी है तो उससे करीब 15-20 मिनट पहले यहाँ पर तमाम कैबिनेट के सदस्य पहुँचना शुरू होंगे। लेकिन एक बड़ा नीतिगत फैसला हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार लेने जा रही है और उसी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर तमाम जो सुरक्षा बल है उसको कश्मीर में तैनात किया गया है। जो नेता आग उगलते थे स्थानीय कानून के खिलाफ, कानून की धज्जियाँ उड़ाने के की बातें किया करते थे, उनको नज़रबंद किया गया है। अफवाहें ना फैलें इसलिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए लोगों को कहा गया है कि घरों में रहें और धारा 144 लगा दी गई है। और ये सारे इंतजाम इस कैबिनेट की बैठक से जो बड़ा नीतिगत फैसला होना है उसके मद्देनज़र किए गए हैं। सरकार इस नीतिगत फैसले का कैबिनेट के बाद घोषणा करेगी और संभवतया लोकसभा में इसकी घोषणा की जाएगी। संसद में बयान देकर सरकार बताएगी कि आखिर उसने क्या नीतिगत फैसला लिया है। ये तमाम जो पिछले तकरीबन एक महीने से तैयारी चल रही थी सरकार की, वो इसी नीतिगत फैसले के मद्देनजर चल रही थी। कल सुबह सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटे हैं। संभवतया जो सरकार नीतिगत फैसला लेगी उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की, असेंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए राष्ट्रपति पहले से दिल्ली में कल सुबह ही आ चुके हैं। तो यहाँ से जो बड़ी खबर निकलेगी, जो नीतिगत फैसला होगा, वो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के इतिहास में एक तरह से पन्ना उलट देने वाला फैसला होगा। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी जानकारी विकास आप हमें दे रहे हैं। एक बड़ा नीतिगत फैसला पीएम आवास से आज आने वाला है, कैबिनेट की बैठक है सुबह 9:30 बजे। विकास, हम आएंगे आपके पास, इस वक्त हमारे साथ नीरज पांडे भी जुड़ गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर से वो लाइव बने हुए हैं। अमित, आपसे आपकी जगह नीरज आपसे जानना चाहेंगे, कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक ली थी जिसमें एनएसए भी मौजूद थे, सवाल यही कि क्या कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला आ जाने वाला है? जी बिल्कुल, अमित शाह फिलहाल अपने आवास में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं देर रात तक अमित शाह गृह मंत्रालय में रहे, वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार कोई नीतिगत फैसला लेने जा रही है। बहुत कुछ विकास ने बता दिया है, विकास से मैं हद तक सहमत हूँ और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अमित शाह अपने आवास पर हैं, कुछ अधिकारियों की एक टीम पहुंची है और उनके साथ मीटिंग चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, देर रात तक उन्होंने गृह मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर रात में भी उनके घर पर हलचल देखी गई, रात में भी उनके घर में कुछ लोगों का आना जाना रहा, वो निश्चित रूप में गृह मंत्रालय के अधिकारी ही रहे हैं। अभी सुबह भी कुछ लोग अंदर गए हुए हैं लेकिन ये नहीं कंफर्म हो पाया, चूंकि दोनों तरफ से गाड़ी में शीशे में पर्दे लगे हुए थे तो कौन अंदर था ये नहीं पता चल पाया, लेकिन वो लोग अंदर गए हुए हैं। तो निश्चित रूप में ये जिस तरह से तैयारी चल रही है, सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें कोई ना कोई बड़ा नीतिगत फैसला होने वाला है और उसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार तैयारी में जुटी हुई। पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, कल इंटरनेट सेवाएँ ठप कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, ज़्यादातर सरकारी इंस्टीट्यूशन खाली करा लिए गए हैं, यात्रियों को वापस भेज दिया गया। इससे साफ है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जो कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को एक नई दिशा और नई राह दिखाने वाला होगा। नीरज पांडे, विकास भदौरिया, आप लगातार मोर्चा संभाले रखें क्योंकि पल पल की जानकारी हमें आपसे मिलती रहेगी। इन सब के बीच संसद में भी उठ सकता है आज कश्मीर का मुद्दा, मोदी सरकार आज विरोधियों के हर सवाल का जवाब संसद में देगी, बयान देगी। कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है, इस बड़े सवाल को लेकर न सिर्फ घाटी के भीतर राजनीति करने वाले नेता हलकान हैं, बल्कि कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टी के मन में भी सवाल है कि मोदी सरकार कश्मीर में क्या फैसला लेने वाली है। संसद में आज कश्मीर को लेकर लोगों के मन में घूमते इन सारे सवालों का जवाब मांग सकता है विपक्ष और उम्मीद है कि मोदी सरकार कश्मीर पर अपना रुख जाहिर करे। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि कांग्रेस ने भी सरकार से कश्मीर मुद्दे पर स्थिति साफ करने की मांग की है। इसके अलावा जेडीयू ने भी अमरनाथ यात्रा को लेकर एडवाइजरी पर सफाई मांगी है।